हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं घड़ी में 9:30 और आज होने वाली है घर की साफ सफाई। तो यहाँ पर मेरी बेटी सो चुकी है, तो मैंने सोचा ये सबसे अच्छा समय, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी पर चले गए। तो दोस्तों, घर में हो गए जाले, मैंने सोचा इनको आज निकाल लेते हैं और घर की करेंगे हम साफ सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं घर की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया है। कुछ तो हो गई थी तबीयत खराब, उसके बाद मैंने वैसे ही साफ सफाई कर लेती नीचे, लेकिन ऊपर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि जाले घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं और ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए आज करेंगे हम घर की साफ सफाई, इसीलिए पहले निकालेंगे यहाँ से जाले। ओ दोस्तों, ये काम बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको निकाल तो देते हैं लेकिन इसके बाद पूरे घर में गंदगी हो जाती है। दोस्तों, मेरे से मैं बस ऊपर ऊपर का निकालूंगी, क्योंकि पंखा साफ करना मेरे बस की बात नहीं है। जो करेंगे मेरे हस्बैंड, जो रहेगी 1 तारीख को बोल रहे हैं संडे को भी छुट्टी रहेगी, तो उस दिन मैं कर दूँगा। मैंने बोला ठीक है, जितना मेरे से होगा उतना मैं करूँगी, मेरा जो बचेगा उसको आप कर लेंगे, क्योंकि पंखे पर मेरा हाथ नहीं जाता है, वो बहुत ऊपर है, इसलिए यहाँ यहाँ निकाल दे रही हैं। तो आधा सफाई तो मैं खुद ही करूँगा, बाकी रहेगी वो मेरे ऊपर है। देखो कर लेते हैं फटाफट फटाफट, क्योंकि और भी काम है। और दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग आएगा लेट, क्योंकि कल तो वैसे ही लेट गया था ब्लॉग, तो कोई ब्लॉग ही शूट नहीं किया है। और अभी हो रहे हैं घर के सारे काम, तो अभी फिलहाल मैंने कोई नहीं, देखो सारे काम करे कब। और मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का टाइम चेंज कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैनेज नहीं हो पाता, सोच रही हूँ शाम के 6 बजे डाला करूँ ब्लॉग, क्योंकि सारे काम करने के बाद ब्लॉग डालना पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, कितनी गंदगी गिर रही है, बाप रे बाप कितनी गंदगी हो गई है। ऐसा लग रहा है कितने दिनों से ध्यान नहीं दिया है, होने वाली ये देखिए दोस्तों कितनी गंदगी है। देखिए मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो है, लेकिन समय समय पर करते रहो तो ज़्यादा नहीं होती है। कर देते हैं, इसके बाद बहुत सारे काम हैं, मकड़ियाँ कीड़े मकोड़े में आके रहते हैं, जो हमारे लिए हमारे बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। ऊपर के जाले निकालने के बाद अब थी बेड की सफाई करने की बारी, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा था गैस के नीचे 1-2 कॉकरोच थे और एक बेड के ऊपर भी चल रहा था, जिससे मैं तो डर गया, क्योंकि मेरी बच्ची भी सोती है कहीं इसके कान नाक में ना घुस जाए, छोटा ही था, इसलिए मैं कल ही जाकर दुख मेडिकल से कॉकरोच मारने वाली स्प्रे लेकर के आई थी। और सारा सामान निकालते जा रही हूँ, यहाँ पर मुझसे मेरी पड़ोसन पूछ रही है कोई दिखाई दिया, मैंने बोला हाँ है तो सही, तो मैं दवाई छिड़क रही हूँ। ये वाली साइड मैंने क्लीन कर दी है, अब इस साइड की बारी है, गद्दा निकाल कर मैंने वहाँ पर रख दिया है, लेकिन दूसरे बेड में नहीं मिला कुछ भी, मैं डर रही थी बेफालतू तो कहीं और ज़्यादा ना हो जाए। अब है इस साइड की बारी, अब ये वाली साइड क्लीन करूँगी। और छोटे मोटे काम करने पर घर की सफाई की बारी आती है ना, तो घर में बहुत गंदगी हो जाती है। इस साइड में भी कुछ नहीं निकला, इस साइड भी एकदम क्लीन है, अब मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। और यहाँ पर फिर अब बेड को बंद कर देते, गद्दा वद्दा रख के चादर उधर बिछा के फिर से सेट कर देते। खुशबू को बिठाएंगे, खुशबू बहुत परेशान कर रही है। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना बेड सेट कर दिया और खुशबू को बिठा दिया, क्योंकि खुशबू है ना नीचे गंदगी पड़ी हुई है, बार बार हाथों में ले रही है तो अच्छा नहीं लग रहा, और मैं चिल्ला रही थी। अब बारी है फ्रीज की, फ्रीज के ऊपर भी देख लेते हैं एक बार, उसको भी क्योंकि जाले वाले गिर गए ना तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी झटक पटक के पोछ पाछ के सफ़ा कर देते हैं। सारा सामान पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको पोछा पाछी करेंगे, फिर अपनी आधा काम यहाँ भी फिनिश। यहाँ फ्रिज के ऊपर से पहले सारा सामान नीचे निकाल कर रख देती हूँ, और फिर फ्रिज पे डाला हुआ कपड़ा उसको भी झटक लूँगी, और इसमें चेक कर रही हूँ कि इसमें तो नहीं घुस गया। दोस्तों ये वाला फ़ोन ना मेरे हस्बैंड ने मुझको दिलाया था, खुशबू ने एक दिन क्या किया पता नहीं क्या कर रही थी मैं, खुशबू ले गई और बाल्टी में डाल दिया और इसमें पानी चला गया। न्यू का न्यू फ़ोन है, पता नहीं इसमें क्या ख़राब हो गया, चेक करवाना पड़ेगा। ये वाला सैमसंग का फ़ोन है, मुझे इतना अच्छा लगा था और खुशबू ने सारा बिगाड़ दिया। ये 15,000 का फ़ोन था दोस्तों, अभी भी याद होता तो मुझे दुख होता है। बच्चे हमारा काम तो नहीं करते हैं, उसको बढ़ाई देते हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर बिठाया, क्योंकि ये बहुत शैतान है, कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा करते ही रहती है।
प्यारी तो सबको लगती है। देखिए अभी भी पता नहीं वो बादल से क्या बातें कर रही है, उसे बेड से बैठी बैठी मैं भी भूल रही हूँ। हाँ, और यहाँ पर अपने फ्रिज को अच्छे से पोंछ लेते हैं, पोंछ पाछ के साफ सुथरा कर देते हैं, जिससे फ्रिज हमारी हो जाएगी क्लीन। में लेकर आती हूँ कॉलिन, जो डाल लूँगी रूमाल में, क्योंकि रूमाल गंदा, सोचा ये नरम भी, और इसे पोंछ ही लेती हूँ। पर फ्रिज को पहले पोंछ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों और भी काम पड़े हैं, अभी झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मारना, कपड़े धोना, फ्रिज को चेक करें कहीं फ्रिज के अंदर वंदर तो नहीं है। तो यहाँ पर फ्रिज को कर लेते हैं हम अच्छे से साफ। और दोस्तों मैं फ्रिज को कभी भी नरम कपड़े से ही साफ करना चाहिए, क्योंकि इस पर दाग पड़ने का खतरा रहता है। और इसको देखिए, ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करते रहती है, ये खाली बैठ ही नहीं सकती है। यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से पोंछने के बाद, यहाँ पर फ्रिज को साफ करने के बाद सोचा है फ़ोटो वोटो भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इन पर भी बहुत दिनों से धूल जम गई, तबीयत ख़राब थी, तब तो कुछ किया नहीं थी, लगे हाथ इन पर भी पोछा लगा ही देती हूँ तो आधी टेंशन दूर हो जाएगी। देखिए जैसे मैं करूँगी बिल्कुल वैसे ही करेगी, इतनी शैतान है ना कि पूछो मत, गिरने का डर भी नहीं लगता है इसको, पूरी की पूरी शैतान की नानी है। और यहाँ पर वो फ़ोटो पोंछने के बाद अब बारी है खुशबू वाले फ़ोटो की। दोस्तों ये कॉलाज ना मेरी दीदी ने खुशबू को उसके जन्मदिन पर बनवा के दिया था। इस पर इसमें ना खुशबू की जन्म से लेके अब तक की सारी फ़ोटोज़ हैं, ये मुझे बहुत प्यारा है। यहाँ पर मैं घड़ी को भी पोज देती हूँ, और भाई ये तो समय के हिसाब से चलते हैं, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और देखिए जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे आ रही है, वो पोछ ही लेते हैं और जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि अभी पोछा भी लगाना है और झाड़ू, घड़ी को अच्छे से पोछ पाछ के। यहाँ पर घड़ी पोछने के बाद अब थी फ़ोटो पोछने की बारी, और ये मेरा सबसे फेवरेट फ़ोटो कोलाज है, जो मुझे बहुत अच्छा मेरी दीदी ने बनवा के दिया है खुशबू के जन्मदिन पे। इसमें खुशबू बचपन से लेके अब तक जितनी बड़ी हुई है ना, उसकी सारी मेमोरीज इकट्ठा की हुई है इसमें। मैं भी हूँ, खुशबू के पापा हैं, और भी बहुत लोग हैं। और दोस्तों यहाँ से लेके फिर सोचा, यहाँ जब यहाँ इतना कर ही लिया तो इधर भी हाथ आगे बढ़ा के पोछ ही लेती हूँ। यहाँ पर पोछा लगाना हो गया है, तो अब चलते हैं नीचे पोछा लगाएंगे, क्योंकि अभी फ्रिज के पीछे मैंने पोछा नहीं लगाया और ना कोई सामान रखा है फ्रिज के ऊपर। लगाएंगे हम फ्रिज के हटाकर फ्रिज के नीचे पोछा, और फ्रिज के ऊपर लगाएंगे सारा सामान, जिससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। और पोछा लगा लेते हैं, फिर फ्रिज को पीछे खिसकाएंगे, उसके बाद ऊपर सारा सामान रखेंगे। अब पहले फ्रिज को करेंगे पीछे, यहाँ एक करके सारा सामान लगा लेते हैं, उसके बाद में ये जो एंगल रखा है जिस पे सारा सामान रखा है, तेल, शैम्पू, पाउडर, उसको उसकी जगह पर लगाने के बाद यहाँ पर है सामान लगाने की बारी। जल्दी जल्दी सामान को लगा देते हैं, फिर लगाएंगे पोछा का पूरे घर में, क्योंकि खुशबू चिल्ला रही है मम्मी नहाएंगे नहाना है, क्योंकि उसको नींद आ रही है। मैंने बोला बेटा थोड़ा सा टाइम दे दो मम्मा को, फिर मैं पोछा लगाती हूँ। यहाँ पर सारा सामान लग चुका है, पर मैं लगा चुकी हूँ झाड़ू और लगा रही हूँ साथ ही साथ में पोछा, क्योंकि फिर दोनों काम होते जाएंगे ना, कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर से ये चिल्ला रही है मम्मी दूध भी चाहिए, इसकी एक ही आदत है नहाने के बाद सोने की। तो यहाँ मैं बैठ के नीचे पहले पोछा लगा लेती हूँ, फिर आएगी गैस की बारी। उधर पोछा लगाने के बाद यहाँ सिलेंडर को हटा करके मैं झाड़ू के साथ साथ कॉकरोच मारने वाली दवाई भी छिड़क देती हूँ, जिससे कॉकरोच भी सारे मर जाएंगे और कोई टेंशन नहीं रहेगी, और दोनों काम साथ में हो जाएंगे, और साथ साथ हो जाएगा कॉकरोचों का सफाया। घर की क्लीनिंग तो हो गई, कॉकरोचों का सफाया भी हो गया। यहाँ पर खिड़की को भी क्लीन कर दिया, अब सारा सामान पोंछ कर वापस जो भी डब्बे वगैरह हैं, ये आ गए हम यहाँ लास्ट तक पोंछा लगाते हुए। अब यूँ ही पोंछा लगाते लगाते हम बाहर चले जाएंगे, और फिर हमारा पोंछा लगाने का काम यहीं पर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर लगा लेते हैं पहले सारे में अच्छे से पोंछा, कॉकरोचों ने इतना परेशान किया हुआ था, आज पूरे घर की क्लीन कर दिया। अब देखिए दोस्तों घर कितना सुंदर लग रहा है ना, एक जगह सारा सामान पोंछ पाछ के, फोटो से लेकर के ये गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया। यहाँ पर देखिए सब क्लीन कर दिया, और वहाँ ये साइड भी क्लीन कर दिया, और ये भी ये जगह भी देखिए दोस्तों, ये सब क्लीन हो चुका है। अब लगा रही हूँ मैं बाहर पोछा बाहर, और देखिए दोस्तों मेरे पीछे बर्तन पड़े हैं अभी मांजने के लिए, और ऊपर देखिए बेड की चद्दर वगैरह वो भी पड़ी है, वो भी मुझे अभी धोनी है। पहले यहाँ पर पोछा लगाते हैं फटाफट,
और फिर कपड़े धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, उसके बाद मैं नहा लेंगे। पहले तो सबसे पहले खुशबू को नहलाऊंगी मैं, उसके बाद जो दो काम बचे वो करूंगी। पर लग चुका है मेरा पोछा और घर की हो गई साफ सफाई। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के दो और यहाँ पर मेरी बेटी सो चुकी है और मैं भी अपने सारे काम फिनिश कर चुकी हूँ। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। और दोस्तों हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहें और हम यूँ ही आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। कोई गलती होती है तो माफ़ कर दिया करें। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।